एक बहुत ही हैंडसम लिमो ड्राइवर था, बहुत सारी लड़कियां उसके पीछे पागल थी, तो जिंदगी के वो बहुत ही अच्छे मजे लेता था। पर एक बार एक लड़की से मिलता है, उसकी पूरी लाइफ चेंज हो गई थी। इसी एक थीम पर बेस आज मैं आपको अल्फी 2004 की एक रोमांटिक हॉलीवुड मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज इसे लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। बिना किसी देरी के एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और अल्फी खुद की इंट्रोडक्शन देता है। वो कहता है कि लड़कियां हमेशा मेरे पीछे पागल होती है। वो दिखने में भी अच्छा था और उसकी स्टाइलिंग का सेंस वगैरह ये भी चीजें उसे बहुत ही अच्छी आती थी। दिन में उसे कभी भी कोई भी लड़की मिल सकती है, तो इस वजह से वो हमेशा रेडी रहता है। वो घर से बाहर निकला और अपने नेबर की लेडी से वो बात करने लगता है। उसके साथ भी उसने बहुत ही अच्छे से फ्लर्ट किया। जाते जाते कहने लग गया कि शायद रात में आपको मेरी आवाजें आ सकती है, मेरा अपार्टमेंट बहुत ही गंदा है तो उसकी साफ सफाई मुझे करनी पड़ेगी। अल्फी ने नेबर लेडी की बहुत तारीफ की थी तो कहती है कि मैं कर दूंगी। इसी तरीके से हमेशा औरतों को मैनिपुलेट करता है। थोड़े फर वैसे आने के बाद वो न्यूयॉर्क में आ गया, क्योंकि यहाँ पर हर टाइप की लड़कियां उसे मिल सकती थी। वो हमसे कहता है कि मेरी ज्यादा जरूरतें नहीं है, खाना पीना हो जाए और कुछ लड़कियां मिल जाए, बस उतना ही उसे अपनी लाइफ से चाहिए। वो एक लिमोजिन का ड्राइवर था। आज रात भी वो एक मैरिड वुमन के साथ इंटीमेट हो जाता है, जिसका नाम था डोरी। वो कहता है कि डोरी और उसके हस्बैंड में बहुत टाइम से फिजिकल रिलेशनशिप नहीं है। एक तरीके से उनके मैरिज के लिए मैं हेल्प ही कर रहा हूँ। पिछले कुछ दिनों से एक दूसरे से मिल रहे थे। डोरी को अब लगने लग गया था कि शायद अल्फी के साथ जो उसका अफेयर है, इसे अलग लेवल पर लेकर जाया जाए। वो अल्फी से कुछ कमिटमेंट चाहती थी, इसके बारे में अल्फी को पता चल गया। लड़कियों के बारे में ये सब चीजें अल्फी को हमेशा पता चल जाती है। नेक्स्ट वीक में डोरी उसे फिर से मिलना चाहती थी तो अल्फी उसे मना कर देता है। उसने कहा कि मुझे बहुत काम है। अब इसके बाद उसे फिर से कभी भी कॉल करने नहीं वाला। आज रात जरा लेट हो चुका था। वो हमसे कहता है कि मेरे पास दो ऑप्शन है, एक तो मैं घर पर जा सकता हूँ, वरना मेरी गर्लफ्रेंड के पास एक बहुत ही अच्छा बात लूंगा, उसी के पास सो जाऊंगा। उसे जब भी जरूरत होती थी तभी उसके पास आता था। उसकी इस गर्लफ्रेंड का नाम था जूली। जूली उसे देखकर बहुत ही खुश थी। आज रात तो उसके साथ इंटीमेट होना चाहती थी, पर अल्फी कहता है कि आज मैं बहुत ही थक चुका हूँ। जूली समझ गई कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। वो अल्फी को ऑनेस्टली बताने के लिए गई थी कि आज रात वो कहाँ था, पर अल्फी उसे कुछ भी नहीं बताता था। जूली ने कहा कि तुम इस तरीके से मेरा फायदा नहीं उठा सकते। अल्फी को लगता था कि अगर उसने कमिटमेंट की तो उसकी लाइफ वहीं पर खत्म हो जाएगी, उसे फिर अपने पार्टनर की उंगलियों पर नाचना पड़ेगा। आज रात जूली ने उसे आई लव यू कह दिया, पर अल्फी सिर्फ उसे थैंक यू कहता है। इस बात से जूली को बहुत ही ज्यादा बुरा लगा। वो चिल्लाने लग गई, तभी उसका बेटा उठकर आ जाता है। अल्फी को छोटे बच्चे बहुत ही ज्यादा अच्छे लगते थे। वहां से फिर वो चला जाता है। अगले दिन वो अपने काम पर आया। उसका फ्रेंड जिसका नाम है मार्लॉन बहुत ही अपसेट था। उसकी गर्लफ्रेंड और उसके बीच में ब्रेकअप हुआ है। रात में 3 बजे उसके सामने गिड़गिड़ाने के लिए वो गया हुआ था, पर फिर भी उसने उसे माफ नहीं किया। एक्चुअल में मार्लॉन और उसकी गर्लफ्रेंड की रिलेशनशिप बहुत ही अच्छी चल रही थी और मार्लॉन को लगता था कि उसे कोई अच्छी मिल जाएगी, इसी वजह से उसने उसके साथ ब्रेकअप किया था। जब गर्लफ्रेंड लाइफ में रही नहीं तब उसने रियलाइज किया कि उससे ही प्यार करता था। अल्फी इस तरीके की बहुत सारी रिलेशनशिप देखता है जिसमें लोग सिर्फ झगड़ते रहते हैं। उसका बॉस और उसकी वाइफ भी हमेशा झगड़ते रहते हैं। तो उसने कहा कि मैरिज अगर इसी तरीके से होगा तो उस पर वो बिलीव नहीं करता। अल्फी के साथ मार्लॉन अपनी गर्लफ्रेंड को मनाने के लिए गया। यहाँ एक लड़की अल्फी को पहचान लेती है। ये एक रात साथ थे, पर अल्फी उसे पूरी तरीके से इग्नोर कर देता है। इसके बाद वो आज रात फिर से जूली से मिलने के लिए आया। जूली उस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा थी, क्योंकि उसे पता चल गया था कि अल्फी का किसी और लड़की के साथ अफेयर है। उसे आज रात अंदर नहीं आने देती। वो फिर से मार्लॉन की गर्लफ्रेंड के पास आ जाता है, जिसका नाम था लोनेट। उसे समझाने की कोशिश करता है, कहता है कि मार्लॉन तुमसे बहुत ही प्यार करता है, तुम्हें उसे और एक चांस देना चाहिए। ये दोनों फिर यहाँ वहाँ की बातें करने लग गए। म्यूजिक लगाकर लोनेट डांस कर दिया। अल्फी कहता है कि अगर इस तरीके का डांस मुझे आता तो मैं यहाँ पर नहीं होता, तुम्हें तो स्टार होना चाहिए। डांस करते करते एक दूसरे के करीब आ गए और वहीं पर इंटीमेट हो जाते हैं। सुबह होने पर अल्फी ने रियलाइज किया कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। इस तरीके से उसे अपने बेस्ट फ्रेंड को धोखा नहीं देना चाहिए था। काम बनाने के बाद मार्लॉन अल्फी से कहता है, कल रात तुमने किया क्या? अल्फी अपना मुंह छुपाता हुआ घूम रहा था। मार्लॉन उसे रोक कर कहता है कि मोनेट सुबह सुबह मेरे पास आई थी, उसने मुझे माफ कर दिया है और एक चांस देने के लिए रेडी है। वो इस सब के लिए बहुत ही थैंकफुल था। अल्फी ने कहा कि ये तो बहुत अच्छा है। मार्लॉन कहता है कि मैंने उसे शादी के लिए भी पूछ लिया है और तुम मेरे बेस्ट मैन बनोगे। ये सब अल्फी को बहुत ही वियर्ड लगता है, पर फिर भी अपने आप से कहता है कि उसी की वजह से उसकी फ्रेंड को उसकी गर्लफ्रेंड मिल गई। उसे लगा कि शायद उसने जो भी किया सही किया। आज जूली के बेटे का बर्थडे था। अल्फी को लगता है कि आज जो जूली को मना लेगा, पर वहां पर जाने के बाद उसने नोटिस किया कि जूली किसी और के साथ है। तो
वो उसे मनाने के लिए कुछ भी कर नहीं सकता। अल्फी कहता है कि मुझे इन सब बातों से ज्यादा कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। वो गेम में फिर से वापस आने के लिए रेडी था। आज रात वो दो लड़कियों से मिला और दोनों को घर पर लेकर जाता है। इंटीमेट होते वक्त अचानक से उसे कुछ प्रॉब्लम आ गई। वो आज रात कुछ भी परफॉर्म नहीं कर पाता। पूरी वीक में उसे अलग अलग लड़कियों के साथ चांस मिला पर फिर भी किसी के सामने भी वो परफॉर्म नहीं कर पाता। डॉक्टर के पास आने के बाद डॉक्टर ने उसे पूछा, क्या तुम्हें साइकोलॉजिकल कुछ प्रॉब्लम आया? क्या किसी से तुम्हारी कोई बात हुई जिस वजह से तुम्हें बहुत ही अपसेट लगा होगा? एक्चुअल में अल्फी फिर से एक दिन जूली को मनाने के लिए गया हुआ था। जूली ने उसे कहा कि लाइफ से हमें अलग अलग चीजें चाहिए, तुम मेरे साथ सीरियस रिलेशनशिप नहीं चाहते। अल्फी को लगता है कि जूली पूरी तरीके से बदल चुकी है। उसे इस तरीके से अपने लाइफ से जाता हुआ देख उसे बहुत ही बुरा लगा था। शायद इसी वजह से उसे प्रॉब्लम आया था। डॉक्टर उसका प्राइवेट पार्ट चेक करते और डॉक्टर के सामने सब कुछ सही से चल रहा था। डॉक्टर ने कहा कि सब कुछ वर्क कर रहा है पर मुझे वहां पर एक लंप लगा। ये लंप कैंसर का हो सकता है, इस वजह से अल्फी बहुत ही ज्यादा डर जाता है। वो जब घर पर आया तो लोनेट उसका वेट कर रही थी। वो उसे कहती कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये बच्चा अल्फी का है या मार्लोन का इसके बारे में उसे पता नहीं था। अगर लोनेट ने बच्चा होने दिया और ये वाइट निकल कर आता तो मार्लोन हमेशा के लिए उसे छोड़कर चला जाएगा। उन दोनों को इस बच्चे को अबॉर्ट करना यही बात सही लगती है। हॉस्पिटल में जाकर फिर लोनेट अपने बेबी को अबॉर्ट कर देती है। जो भी सब अल्फी ने किया इसके लिए उसे बहुत बुरा लगता है। अगले दिन वो डॉक्टर के पास आया। उसके आज रिजल्ट आने वाले थे। वो बहुत ही ज्यादा डरा हुआ था। वॉशरूम में एक ओल्ड मैन से मिलता है। ओल्ड मैन उसे बात करने लग गया और कहता है कि जब मैं तुम्हारी तरह यंग था तो हमेशा लाइफ से भागता रहता था। उसकी वाइफ हमेशा उसे कहती रहती थी कि उन्हें वैकेशन पर जाना चाहिए पर ओल्ड मैन ने कभी भी इस पर ध्यान नहीं दिया था। पर एक दिन अचानक से उसकी वाइफ की डेथ हो गई। वो इस बात को बहुत रिग्रेट करता है। अपनी वाइफ को याद करते हुए वो उस वैकेशन पर जाकर आया था। वॉल्फी से कहता है कि लाइफ में दो ही चीजें इंपॉर्टेंट है, किसी ऐसे पर्सन को ढूंढना जिससे तुम बहुत प्यार करो, उसके बाद हर एक दिन ऐसे जियो जैसे कि वो तुम्हारा आखिरी हो। डॉल्फी को स्टोरी सुनकर बहुत बुरा लगा था। ओल्ड मैन उसे कहता है कि मेरा कार्ड लो, अगर तुम्हें लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझसे तुम डिस्कस कर सकते हो। अल्फी के डेज का रिजल्ट आता है और उसे कुछ भी हुआ नहीं था। वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। अपनी लाइफ और बिजनेस इन सब के प्लान्स उसने बनाए थे। वो एक क्लाइंट को राइड देता है जिसमें बहुत ही ब्यूटीफुल सी एक लेडी थी जिसका नाम था लीज। ये उसकी उम्र में जरा ज्यादा थी पर अल्फी को फिर भी वो पसंद आई थी। वो कार में उसके साथ फ्लर्ट करता है। एक जगह पर वो शॉपिंग करने के लिए गए। लीज के साथ जो आदमी था वो अल्फी को बाहर ही रुकने के लिए कहता है। अल्फी उसकी बात मानता नहीं और अंदर आ गया। लीज जो कपड़े ट्राई कर रही थी इसके बारे में अल्फी अपने ओपिनियन देता है। अल्फी ने लीज से पूछा ये क्या यार में तुम्हारा हस्बैंड है? लीज ने कहा कि ये किसी और का हस्बैंड है, उसके हमेशा अलग अलग बॉयफ्रेंड्स रहते हैं। उसने लीज को उसके होटल पर छोड़ दिया और जाते जाते अपना नंबर देकर जाता है। उसे लगता है कि इतनी हाई स्टैंडर्ड वाली लेडी अगर उसे भाव दे रही है तो उसे सेटल डाउन नहीं करना चाहिए, अभी भी लाइफ के बहुत सारे मजे ले सकता है। जो भी उसने डिसाइड किया था इन सारी चीजों के बारे में भूल गया। नेक्स्ट दिन में उसे मार्लोन का लेटर मिलता है। मार्लोन और लोनेट ये दोनों अलग सिटी में मूव हो गए थे। लोनेट का आइडिया था कि मार्लोन को अल्फी से लास्ट टाइम नहीं मिलना चाहिए। आज क्रिसमस था और अल्फी अकेला है तो उसे बहुत ही बुरा लगता है। इस वक्त रिलेशनशिप में होना बहुत ही अच्छा होता है। रास्ते से गुजरते वक्त उसने एक लड़की को देखा जिसका नाम था निकी। उसे वो बहुत अच्छी लगी थी तो उन्हें राइड दे देता है। निकी एक फ्री स्पिरिट थी, उसे जो अच्छा लगता था वो हमेशा वो कर डालती थी। चीजों के बारे में सोचना उसे ज्यादा अच्छा नहीं लगता था। अल्फी को उसकी सारी बातें बहुत अच्छी लगी। वो आज रात एक पार्टी में जा रही थी तो अल्फी को भी इन्वाइट कर दिया। इन्होंने एक रात साथ में स्पेंड की। अल्फी को कोई भी रिलेशनशिप अच्छी नहीं लगती पर निकी से पूछता है क्या तुम क्रिसमस के लिए मेरे साथ रुक सकती हो? निकी भी इस बात के लिए मान गई। ये अलग अलग प्लेसेस पर गए और अपना टाइम इन्होंने बहुत अच्छे से स्पेंड किया। ऐसे इनके बहुत सारे दिन गुजर जाते हैं। एक दिन पार्टी करते करते निकी अल्फी का ग्लास तोड़ देती है। अल्फी को रियलाइज होता है कि शायद इनकी रिलेशनशिप यही तक चलने वाली थी। इसके बाद निकी का गुस्सा बाहर आने लग गया था। वो छोटी छोटी चीजों पर गुस्सा हो जाती थी। इन दोनों में बहुत ही ज्यादा फाइट होने लग गए। एक दिन वो अल्फी से पूछते कि आज रात तुम कितने बजे घर पर आने वाले हो? अल्फी कहता है कि इस तरीके का क्वेश्चन उससे आना है बहुत ही ज्यादा डेंजरस बात है। अब जल्द से जल्द उसे निकी से ब्रेकअप करना पड़ेगा। निकी उसे रोकने के लिए उसके सामने न्यूड हो जाती है पर फिर भी अल्फी रुकता नहीं। अल्फी ने कहा कि वो बहुत ही अमेजिंग है, मुझे एक स्टैचू की याद दिलाती है। वह जब छोटा था तो उसकी स्कूल की ट्रिप में वो एक स्टैचू देखने के लिए गए हुए थे। अल्फी को उस लेडी का स्टैचू बहुत अच्छा लगा, उसे परफेक्ट लगता है। पर बाद में जब उसने उसे पीछे से देखा तो सारी इम्परफेक्शन दिख सकती थी। अब उसे लग रहा है कि निकी के जब वो बहुत ही पास आ चुका था तो उसके सारे इम्परफेक्शन उसे दिख रहे थे। इसके बाद वो तुरंत अपनी ओल्ड लाइफस्टाइल जीने लग जाता है। लीज के पास वो आ गया। ये दोनों ड्रिंक करते हैं
और अल्फी ने लीज को एक बिजनेस आइडिया के बारे में बताया हुआ था। लीज को आइडिया बहुत ही अच्छी लगती है। एक्चुअल में लीज का एक ब्यूटी ब्रांड था, वो भी पहले बहुत ही पुअर थे और बाद में रिच बनी थी। लीज कहती है कि तुम बहुत ही ब्रेव और एम्बिशियस हो, पर फिर भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस तुम में कम है। अल्फी कहता है कि तुम्हें ये बात कैसे पता। लीज ने कहा कि पहले मैं भी तुम्हारी तरह थी। इसके बाद ये दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। अल्फी घर पर आया तो निकी ने अपनी गलती रियलाइज की थी। उसे कहती है कि अब मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। मुझे बताया कि मैं तुम्हें बहुत ही ज्यादा तंग कर रही थी, मैं मेरी मेडिसिन लूंगी और जरा अल्कोहल वगैरह इन सब से दूर रहूंगी। ये सब कहने के बावजूद अल्फी ने उसके साथ ब्रेकअप कर लिया। निकी इस बात से बहुत ही ज्यादा हर्ट हो गई थी। वो तुरंत उसके घर से चली जाती है। निकी के जाने के बाद अल्फी को बहुत अकेला महसूस होता है। उसे लगता है कि शायद ओल्ड मैन जो भी बात कह रहा था ये सब कुछ सही थी। वो फिर से रिलेशनशिप में रहने का ट्राई करने वाला है। वो एक दिन जाकर जूली को अप्रोच करता है क्योंकि उसके साथ उसकी रिलेशनशिप बहुत ही अच्छी थी। उसने कहा कि हमारे बीच में जो भी हुआ इसके लिए वो बहुत ही सॉरी है, पर अगर वो चाहती है तो दोनों फिर से रिलेशनशिप में आ सकते हैं। अगली मोमेंट में जूली का बॉयफ्रेंड वहां पर आ जाता है। अल्फी कहता है कि तुमसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा, अपने बेटे को मेरी तरफ से हाय कहना। इस तरीके से जूली को हमेशा के लिए उसकी लाइफ से जाता हुआ देख उसे बहुत बुरा लगता है। रात में अपने बॉस के पास है तो बॉस बहुत ही ज्यादा रो रहा था। बॉस की वाइफ उसे छोड़कर चली गई थी जिससे हमेशा झगड़ता रहता था। अल्फी को जब यह बात पता चली तो बॉस से कहता है कि तुम रो क्यों रहे हो, जाकर उसे फिर से पाने की कोशिश करो, उसके लिए फ्लावर्स लेकर जाओ, उसके लिए लेटर लिखो। बॉस ने कहा कि क्या ये सब चीजें काम करती है। अल्फी ने कहा कि मुझे तो लगता है कि शायद ये काम करेगा, लड़कियों को ये सब चीजें बहुत अच्छी लगती है। अल्फी फिर डिसाइड करता है कि उसे अपने फ्रेंड से मिलना है, तो डायरेक्टली लोनेट के पास वो आ गया। लोनेट ने कहा कि तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। तभी अल्फी ने एक छोटी बेबी की आवाज सुनी। एक्चुअल में लोनेट ने उस दिन अबॉर्शन नहीं करवाया था। अल्फी बेबी देखता है तो ये उसका ही बेबी था। ये सब सिचुएशन पता चलने के बावजूद मार्लोन लोनेट के साथ रहा था। अल्फी ने रियलाइज किया कि उस दिन लोनेट के चेहरे से मुझे पता चल रहा था कि उसने अबॉर्शन नहीं करवाया, पर फिर भी मैंने उस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। बच्चे को देखकर उसके आंख में आंसू आ गए थे। वो पूछता है कि क्या मैं कुछ कर सकता हूँ। लोनेट ने कहा कि जल्दी से यहाँ से चले जाओ वरना मार्लोन गुस्सा हो जाएगा। वो जाने लग गया तभी मार्लोन घर पर आ गया। अल्फी कहता है कि मैं कभी भी तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था। मार्लोन कहता है कि तुम हमेशा यही करते हो, तुम हमेशा किसी को भी हर्ट नहीं करना चाहते पर कर देते हो, तुम्हारे एक्शन से बहुत ही ज्यादा घटिया होते हैं। अल्फी वहां से निकल जाता है पर रास्ते में वो बहुत रोया। उसने उस ओल्ड मैन को कॉल किया था। ये सारी सिचुएशन उसे समझा देता है। अल्फी को लग रहा था कि शायद वो हमेशा अकेला ही रहेगा, किसी भी रिलेशनशिप को निभा नहीं सकता। ओल्ड मैन ने कहा कि जो भी हुआ है तुम्हारे पास्ट की चीज है, अब तुम आगे क्या करोगे ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तुम हमेशा अपनी लाइफ में चेंज ला सकते हो। अल्फी ने रियलाइज किया था कि लीज को बहुत लाइक करता है, उसके लिए फ्लावर्स लेने के लिए चला गया और जिस तरीके से उसकी पर्सनैलिटी थी उसी तरीके से अलग अलग फ्लावर्स उसने पिक किए। उसके पास आकर कहता है कि चलो मेरे साथ कहीं पर वैकेशन के लिए चलो, वहां पर उसे प्रपोज करने वाला था। लीज कहती है मुझे जरा काम है। अल्फी ने कहा कि वीकेंड पर भी हम जा सकते हैं। लीज ने फ्लावर्स को देखा और उसे बहुत अच्छे लगे। वो कहती कि तुमने मेरा दिन बना दिया। लीज की बातों से अल्फी को रियलाइज हुआ कि उसे बाहर निकालने की कोशिश कर रही है। उसे पूछता है कि क्या कोई अंदर है। उसे अंदर देखा तो लीज किसी और आदमी के साथ थी। तो इस बात से बहुत ही ज्यादा हर्ट हो गया। वो कहता है कि मुझ में क्या कमी है कि तुम उसके साथ हो। लीज उसे बता नहीं रही थी पर अल्फी ने उसे बहुत फोर्स किया तो कहती है उसका एज कम है। इस बात से अल्फी को बहुत ज्यादा बुरा लगता है। उसने कभी भी सोचा नहीं था कि लीज से इस तरीके से प्यार करेगा फिर भी उसे रिजेक्शन मिलेगा। वो एक ब्रिज पर था जहाँ पर उसे उसकी एक्स गर्लफ्रेंड मिलती है, जिसका नाम था डोरी। अल्फी कहता है कि मैंने तुम्हारे साथ जो भी किया है बहुत ही घटिया था, इसके लिए उसे सॉरी कह रहा था। वो कहता है कि मुझे समझ में नहीं आता कि अचानक से मुझे हो क्या जाता है। जब रिलेशनशिप में चीजें सीरियस होने लग जाती है तो वहां से मैं भाग जाता हूँ। डोरी ने कहा कि तुम्हें मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपने आप को पता चलने दो कि तुम क्या करते हो। उसके जाने के बाद अल्फी हमसे कहता है कि मेरे पास सब कुछ है, एक अच्छी जॉब है, एक अच्छी लाइफ में जी रहा हूँ, अभी भी मैं ज्यादा ओल्ड नहीं हूँ, पर फिर भी मेरे पास पीस ऑफ माइंड नहीं है। लाइफ में पीस ऑफ माइंड ही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। हमेशा अलग अलग चीजों के पीछे भागता रहता है और एक जगह पर सेटल नहीं होता, इसी वजह से सारे प्रॉब्लम्स उसे आए। अगर वो एक ही रिलेशनशिप में रहता तो कभी भी उसे ऐसा महसूस नहीं होता। जिन भी लड़कियों के साथ वो रिलेशनशिप में था उन सारी लड़कियों ने अल्फी का बहुत ख्याल रखा था, पर अल्फी ने कभी भी उन्हें अच्छे से ट्रीट नहीं किया। उसे इन सब बातों का रिग्रेट होता है, पर अब वो एक अच्छी रिलेशनशिप पाना चाहता है, उसके लिए ट्राई करेगा। इसी मैसेज के साथ मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक और कमेंट जरूर कर दे।